को जो सुख जहाँ दिखाई देते हैं वही ऊपर समझ लेता है कि यहाँ खाने पीने की जो वस्तुएं हैं इनसे और अच्छे पदार्थ खाने पीने को मिलेंगे, यहाँ बड़ी शांति, अगर गर्मी के अंदर ठंडी हवा चल रही है तो बड़ा आनंद शरीर को महसूस होगा। वहाँ भी ये मानव यही समझता है कि वहाँ बड़ी बर्फ पड़ रही होगी चारों तरफ से, एक जैसा मौसम होता होगा, धुआं उठता होगा और बर्फ में एक जैसा बिल्कुल शांत माहौल होगा और चारों तरफ से मौज ही मौज होगी। जो भोगी लोग हैं वो ये मान लेते हैं वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ नाच रही होंगी, खेल चल रहा होगा। फिर स्त्रियों ने क्या कसूर किया अगर केवल पुरुषों के लिए ये सब के सब साधन उपलब्ध हैं तो? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ का आनंद आप संसार से तुलना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ देख करके जो आनंद मिल रहा है, जो भोग पदार्थों के आप अंदर आप फंसे हुए हो जिनको देख करके आपका मन डावाडोल हो जाता है, जहाँ आप इनके अंदर फंस करके अपने आप को, अपनी भक्ति को, मर्यादा को, भजन को, उस परमात्मा के को जो हमने समर्पण किया था उसको भूल करके और हम काम के अंदर अंधे हो करके छटपटाने लगते हैं। तो मानव यही कल्पना करता है ऊपर जा करके कि ऊपर जा करके ऐसे ऐसे भोग पदार्थ हमें प्राप्त होंगे और वहाँ ना कोई लज्जा होगी, ना कोई मर्यादा होगी, ना कोई रोकने टोकने वाला होगा, ना कुछ इस प्रकार का खेल होगा, मर्जी से जीवन चलेगा, मर्जी से सब खेल होगा और मर्जी से ही ऐसो आराम होगा। लेकिन जो ये आपकी कल्पनाएं हैं ये मात्र कल्पनाएं ही हैं, क्योंकि वहाँ की सच्चाई बिल्कुल अलग है। जो कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत साधना की या साधना नहीं की, बस वैसे ही गुरु बन गए, चार पुस्तकें पढ़ी, जो कुछ उसमें लिखा था आगे बोल दिया, बस हो गया सब कुछ खेल और बन गए गुरु। लेकिन ये खेल वहाँ नहीं चलता, वहाँ खेल अलग ही होता है, वहाँ आनंद भी अलग ही होता है, वहाँ ये सारा मन का जो आपने ये बवंडर बना लिया है, ये मन के भ्रम पाल लिए हैं, वहाँ उस परमात्मा के आसपास तक भी ये चीज़ें नहीं जाती। वहाँ आनंद आत्मा का आनंद है, परम आनंद है। ये जो इस संसार के अंदर अवतार हुए, जो बार बार हमारे महापुरुष आए समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, रास्ते पर चलाने के लिए कि जीव का मार्ग खुल जाए और समझ जाए जीव कि किस प्रकार से भजन करना चाहिए, कैसे सुमरण होगा, कैसे रास्ता खुलेगा, और उनकी कल्पनाएं कर कर के उनके चित्र बनते गए और उनके चरित्र के अनुसार उनके जो चित्र बने उनको देख करके मानव कल्पनाएं करने लगता है कि परमात्मा सांवले रंग का होगा, परमात्मा गौर वर्ण का होगा, परमात्मा श्याम रंग का होगा, वो काले रंग का है, और इस प्रकार से राधा रानी गोरे रंग की है। ये जो कल्पनाएं है ना, ये मानव मन ही मन के अंदर ये विचार पैदा करता है और इन्हीं विचारों के अंदर भ्रम, वही स्त्री पुरुष वाली बातें उस परम तत्व तक भी लेकर के जाता है कि वहाँ भी इस प्रकार का काम होगा। जैसे हमारा स्त्रियों के बिना काम नहीं चलता, साधारण मानव बिना भोग के इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं रख पाता, ये अवतार और ये परमात्मा भी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं रख पाता होगा। इस कारण से इस संसार के अंदर जितने भी अवतार हुए सब के सब साथ हमने स्त्रियां खड़ी कर दी, स्त्रियों के साथ पुरुष खड़े कर दिए और एक साथ उन्हें देखने लगे जोड़े बना बना करके, और कुछ गुरु भी बोलने लगे बिना जोड़े के तो कल्याण नहीं हो सकता, कल्याण के लिए तो दो का ध्यान आवश्यक है। एक से रूप लिया,
रूप लेकर के दो हुए, दो से फिर देवता उससे अलग तीन प्रकट हुए, तीन से फिर अनेक हुए, फिर ऋषि मुनि हुए, फिर उनसे अवतार होने लगे। इस प्रकार से संसार के अंदर जितने भी ये अवतार आपको नजर आ रहे हैं, जितने आपने पढ़े हैं, सुने हैं, जिनका वर्णन हुआ है, सब के सब वहीं से आए हैं, एक ही तत्व से। जब आप उस तत्व के पास पहुंचोगे, आपको न कुछ बोलना पड़ेगा, न सुनना पड़ेगा, न कहना पड़ेगा, लेकिन आपको किसी न किसी तरह से प्रयास करके किसी न किसी रूप में उन्हें उस परमात्मा को प्रयास करना चाहिए प्राप्त करने का। अगर कोई ध्यान कर सकता उस निराकार का, वो आसान नहीं होता, क्योंकि न खुले नेत्रों से किया जा सकता है, न बंद नेत्रों से किया जा सकता है, न बिंदु के रूप में किया जा सकता है, न अक्षर के रूप में किया जा सकता है, न गुरु के रूप में किया जा सकता है, न मंदिर मूर्ति के रूप में किया जा सकता है, न अवतारों के रूप में किया जा सकता है, न लिंग के रूप में किया जा सकता है, न किसी चिन्ह के रूप में किया जा सकता है। फिर किस प्रकार से उस निराकार का ध्यान हो, वो स्थिति अलग होती है। जब आप उस स्थिति के ऊपर जाओगे, आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये अभ्यास की बातें हैं, और अभ्यास करते करते ही आभास होगा, और ये अनुभव की बातें हैं, ये कहने और सुनने से परे की बातें हैं। इस संसार के अंदर जब आप अपनी वाणी को काबू में करोगे, विचारों को काबू में करोगे, जब आप इन विचारों को काबू में करके सही सोचने लगोगे, अपने बारे में सोचने लगोगे, कल्याण के बारे में सोचने लगोगे, प्रार्थना करने लगोगे, प्रयास करने लगोगे, ध्यान करने लगोगे, तो सबसे ज़्यादा उस परमात्मा को समर्पण करने लगोगे कि हे परमात्मा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तोर, कि जो कुछ है तेरा ही है। लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, सब कुछ छोड़ करके भी उठा ले जाते हैं। परमात्मा के चारों तरफ बहुत प्रकार के व्यंजन रख देंगे, 56 प्रकार के भोग रख देंगे, और उनको उठा उठा करके फिर बांटेंगे, और जो बचेगा उसको उठा करके ले जाएंगे कि ये परमात्मा, तू तो पत्थर का, तुझे क्या आवश्यकता है, बच्चे भूखे उनको दे देंगे। ये जो सोच होती है, ये जो विचार होता है,